हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी छोटी दिवाली। सो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज एन अकेडमी। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और मैं पढ़ाता हूँ लाइव एन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आई होप आपकी दिवाली अच्छी जा रही हो और अच्छी जानी भी चाहिए। तो बच्चों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी लेके आया हूँ साथ के साथ में। अभी 1 घंटे पहले ही ऑफिशियली टाइम्स ऑफ इंडिया आई वॉज चेकिंग एंड आई फाउंड आउट दिस न्यूज़ दैट गाइस, द वैक्सीन फॉर द कोरोना वायरस विल बी कमिंग इन डिसम्बर। वी कैन एक्सपेक्ट दैट द वैक्सीन विल बी कमिंग। तो गाइज, इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन बना रहा है वैक्सीन, क्या नाम है, कहाँ से आ रही है, कब आएगी, कितने की पड़ेगी। ठीक है, साथ साथ में अपन ये भी बात करेंगे कि हाउ द वैक्सीन एक्चुअली वर्क्स। ओके, सो दिस इज द बायो, लिटिल बायो अबाउट माई सेल्फ। यू कैन रीड इट हियर गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन द स्पेशल प्लेटफॉर्म सो दैट आप मेरी स्पेशल क्लासेस से भी, जो फ्री क्लासेस होती है उनसे भी जुड़ जाए। ठीक है, वेलकम टिनी, संगीता, सूरज, कवि, विभू, आकाश, लोएस। सो गाइज, स्पेशल क्लासेस के लिए प्लीज फॉलो मी, एंड द बेनिफिट ऑफ द फॉलोइंग मी दैट इज ऑल्सो दैट यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी अपने डाउट्स या अपने क्वेरीज। आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। तो अन अकेडमी के ऐप पे मुझे फॉलो कर लें बच्चों। अन अकेडमी के ऐप पे मेरा सिक्योर प्रीलिम्स इनिशिएटिव चल रहा है 2021 के लिए। वी आर टारगेटिंग मोर देन 1200 प्लस क्वेश्चन इन दिस। आपके सामने है कौन से महीने में हम कौन सा सब्जेक्ट करने वाले हैं। दिस इज द टाइम टेबल ऑफ माई फ्री क्लासेस। तो ये मेरा यूट्यूब का टाइम टेबल है पूरा, रेगुलर जो क्लासेस चलती हैं, और सिक्योर प्रीलिम्स होता है स्पेशल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो बच्चों, प्लस पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं सिड यूपीएससी कोड यूज करके। माय आईआर कोर्स इज ऑलरेडी देयर, इट हैज रिसीव्ड 100% फीडबैक। ओके, 100% फीडबैक, इट इज इनफ फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आप प्लस पे जुड़ सकते हैं, मेरा कोड यूज कर सकते हैं सिड यूपीएससी, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। साथ के साथ आपको मेंटरिंग और गाइडेंस मिलेगी मेरे से फोन के ऊपर। ठीक है, ऑन फोन यू विल गेट मेंटरिंग एंड गाइडेंस बाय मी एक्सक्लूसिवली। दिस मंथ माय मेन आंसर राइटिंग कोर्स इज आल्सो स्टार्टिंग फॉर द जीएस पेपर वन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टाइम होता है आपके मेंस की तैयारी का, जीएस पेपर 1, 2, 3 सबका, चारों का कोर्स स्टार्ट हो रहा है आफ्टर दिवाली। तो गाइज, चलते हैं अपन। तो हेडलाइन थी बच्चों थोड़ी देर पहले कि इंडिया विल गेट द 100 मिलियन एस्ट्राजेनेका शॉट्स बाय नेक्स्ट मंथ। सो गाइज, द कंपनी नेम, जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस के अंदर, कि एस्ट्राजेनेका बच्चों नंबर वन चल रहा था वर्ल्ड के अंदर स्टार्टिंग से ही। ऑथेंटिकली जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से नंबर वन चल रहा था, सबसे आगे चल रहा था वैक्सीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सो गाइज, एस्ट्राजेनेका ने यार एक, वो एक लेबोरेटरी है, वो सिर्फ आपको फॉर्मूला दे सकती है मगर वो वैक्सीन को मास प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ओके, जैसे एप्पल के फोन पे लिखा होता है ना पीछे, डिजाइंड इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना। तो डिजाइन और जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो सब एप्पल कैलिफोर्निया में होता है और प्रोडक्शन उसका चाइना में होता है। तो उसी तरह से बच्चों, एस्ट्राजेनेका जो है, ओके, वैक्सीन, वो यूके की एक फर्म है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बच्चों उसका लेना देना है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओके वैक्सीन मेकर इज रैम्पिंग अप द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्राजेनेका COVID-19 शॉट्स एमिंग फॉर 100 मिलियन। लगभग 10 करोड़ बच्चों डोजेस विल बी रेडी बाय द डिसम्बर फॉर इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब टीकाकरण। टीकाकरण के लिए लगभग अपने पास 10 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी, यू नो, इन द नेक्स्ट मंथ। एंड हु इज मेकिंग दिस, द फॉर्मूला इज गिवन बाय द एस्ट्राजेनेका एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बच्चों बना रहा है इस वैक्सीन को, जो कि इंडिया का एक बहुत ही लीडिंग फार्मास्यूटिकल, यू नो, फैक्ट फर्म है, आप बोल सकते हो। तो दिस इज द थिंग गाइस। सो नेक्स्ट मंथ यू कैन एक्सपेक्ट के भाई आपके वैक्सीन आ जाएगी मार्केट के अंदर। तो जो फाइनल डाटा आ चुका है, जो फाइनल स्टेज का डाटा था ओके एस्ट्राजेनेका का, उसने बताया है कि इफेक्टिव है ये वैक्सीन, काफी इफेक्टिव है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस करती है ये। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बच्चों कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसका बनाने का, इस वैक्सीन को। सो द फॉर्मूला विल बी गिवन बाय द एस्ट्राजेनेका एंड द वैक्सीन विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होगी, क्योंकि पूरे दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, वो सब बनेंगी, बट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी उसका एक पार्ट है, उस पूरे बड़े इनिशिएटिव का। तो बच्चों, सीरम इंस्टीट्यूट भी लगभग 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ वैक्सीन बनाने का टारगेट लेके चल रहा है। इमरजेंसी ऑथराइजेशन उसे मिल जाएगा न्यू दिल्ली से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बाय दिसंबर, अगले ही महीने उसको मिल जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा काम है, प्रायोरिटी बेसिस पर गवर्नमेंट नहीं रोकेगी और काम उसे, तो सॉरी, परमिशन उसे मिल जाएगी। ठीक है,
सोचो जो वैक्सीन बनाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट जो एस्ट्राजेनेका का वर्जन बनाएगा, उसमें से काफी अमाउंट जो होगा वो इंडिया को ही मिलेगा सबसे पहले. ऑब्वियसली सबसे पहले इंडिया में जरूरत भी है क्योंकि इंडिया में काफी केसेस हैं. जो जितना भी मोस्टली बनाएगा सीरम इंस्टीट्यूट बाहर भी जाएगा बट काफी इंडिया में भी रहेगा ऐसा कहना है. सीईओ है जो कंपनी के. ओके गाइस, कोवैक्स का नाम आपको पता होना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो एंड फॉर योर जनरल अवेयरनेस ऑल्सो. गाइस, कोवैक्स इज द आर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का. बच्चों ये जो आर्म है ये प्रोक्योर करेगा वैक्सीन को. प्रोक्योर मतलब परचेज करेगा, खरीदेगा. किसके लिए खरीदेगा? पुअर नेशंस के लिए. ठीक है, पुअर नेशंस वैक्सीन नहीं खरीद पाएंगे बच्चों. और हम में से भी काफी लोग जो इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, वो वैक्सीन नहीं खरीद पाए क्योंकि इनिशियली अभी इसके कॉस्ट पे क्लैरिटी नहीं आई है. बट ऑब्वियसली इट हैज टू बी, इट विल बी लिटिल एक्सपेंसिव. सो गाइस, कोवैक्स जो है, कोवैक्स जो WHO का एक आर्म है, वो इसे प्रोक्योर करेगा, खरीदेगा गरीब देशों के लिए. ठीक है, ताकि गरीब देशों में फ्री में उसे बांटा जा सके इस वैक्सीन को. तो कोवैक्स बच्चों आपको पता होना चाहिए, एस्ट्राजेनेका आपको पता होना चाहिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो गाइस ऐसा नहीं है एस्ट्राजेनेका ही बना रहा है. आपको बताया इंडिया की भारत बायोटेक कंपनी भी बना रही है. बट लीडिंग जो है वो एस्ट्राजेनेका है. तो बच्चों ऐसे पांच अदर डेवलपर्स के साथ साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट. इसने किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने. ऐसे पांच डेवलपर्स और हैं दूसरी कंपनी से जिनके पास भी अपने अपने फॉर्मूलाज हैं, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि उनकी वैक्सीन को भी प्रोड्यूस करेगा, मास प्रोड्यूस करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. मगर बच्चों 100% एफिकेसी अभी भी क्वेश्चन में है. मगर इतना तो रिस्क अपने को लेना पड़ेगा. आप ठीक है, हम इतना वेट नहीं कर सकते. मगर अगर 100% एफिकेसी बच्चों अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है. हालांकि उसके रिजल्ट्स आ गए हैं, वो पॉजिटिव ही हैं, बट 100% पॉजिटिव अभी कहना सही नहीं होगा. देन इट हैज टू गेट द क्लियरेंस फ्रॉम द रेगुलेटर्स ऑल्सो. गाइस, जब रेगुलेटर्स होते हैं कंट्री में, जैसे यूएसए के अंदर कोई भी ड्रग, कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई आपको लॉन्च करनी है तो FDA की परमिशन लेनी पड़ती है. समझ रहे हो आप? तो ये होता है रेगुलेटर. तो रेगुलेटर की परमिशन भी लेनी पड़ेगी. मार्केट में लॉन्च करने से पहले. बट गाइस, केस को देखते हुए, कोरोना की हालत देखते हुए, मोस्ट ऑफ द रेगुलेटर विल ऑब्वियसली गिव द परमिशन एंड दे विल नॉट होल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन. ठीक है, तो पूना वाला बच्चों जो इसके सीईओ हैं, सीईओ हैं किसके हैं ये सीईओ? ये आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं, इन्होंने बोला है बच्चों कि लगभग 2022 तक लग जाएगा हमें पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करने के अंदर. क्योंकि इतना मास प्रोडक्शन करना वैक्सीन का इजी नहीं रहेगा. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और अफोर्डेबिलिटी भी एक क्वेश्चन बनेगा. काफी लोग नहीं खरीदेंगे, अवॉइड करेंगे. ठीक है, कई तो लगवाना ही नहीं चाहेंगे. तो और कई गाइस अफोर्ड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट पे द हाई प्राइस ऑफ द वैक्सीन. सो इस वजह से जो सीईओ हैं पूना वाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, इनका ये कहना है कि 2024 लग जाएगा जब तक हम हर आदमी, हर औरत को वैक्सीनेट कर पाए, यू नो, इन द होल वर्ल्ड. तो भाई सीओ ने ये भी बोला है कि सबसे पहले वैक्सीन हम, यू नो, वल्नरेबल सेक्शन जो हैं और फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स मतलब जो कोविड से जुड़े हुए काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो टेस्ट वगैरह करते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे कि बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, जिनको कोरोना ज्यादा, यू नो, इफेक्ट करता है, तो उनको पहले टारगेट किया जाएगा. उनको पहले वैक्सीन दी जाएगी, बाद में फिर, यू नो, आप जैसे यंग लोगों को बाद में नंबर आएगा आप लोगों का. इन्होंने, सीईओ ने साथ साथ में ये भी बोला है कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है भारत की, लगभग 130 करोड़ है, जिसको कवर करना, यू नो, होल पॉपुलेशन को कवर करना विद द पैची हेड नेटवर्क. आपको पता है इंडिया का हेल्थ नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, साथ साथ में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. तो बच्चों ये उन्होंने बोला है कि चैलेंजिंग टास्क हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की ज्यादा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है. तो गाइस अल्टीमेटली एस्ट्राजेनेका पहले भी आगे थी. ठीक है, जो क्लोजेस्ट कंटेंडर उसका भी चल रहा है वो है फाइजर चल रहा है गाइस. ठीक है, बट फाइजर से बेटर बता रहे हैं एस्ट्राजेनेका को. ठीक है, तो गाइस एस्ट्राजेनेका बेटर भी है. और बच्चों एक और बात बताना चाहता हूँ, बाकी जो वैक्सीन है, जैसे फाइजर की जो वैक्सीन है, उसको -70 डिग्री सेल्सियस में रखना जरूरी है. ठीक है, तभी वो काम करेगी. मगर एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसे नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हो.
और आप उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, नॉर्मल फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हो। गाइस फ्रिज में अवेलेबल करना इजी है, और -70 डिग्री सेल्सियस का कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। तो यहाँ पे एक और फायदा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हम ज्यादा प्रेफर करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी ओवरऑल बेटर है, बेटर है अदर वैक्सीन से। सो गाइस इंडिया हैज ऑलरेडी कैप्ड असाइड 6.7 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, सिक्स, ऐसा ये गवर्नमेंट का फिगर्स नहीं है बट एक्सपर्ट्स का फिगर है ये, कि लगभग 6 बिलियन डॉलर इंडियन गवर्नमेंट ने अलग से रख रखे हैं वैक्सीन पे खर्चा करने के लिए, का कोप अप करने के लिए जो वैक्सीन की जो प्राइस है। ओके गाइस लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों ये थी न्यूज के अंदर बात सारी, टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 घंटे पहले पब्लिश हुआ था ये, तो फटाफट मैं आपके लिए लेके आ गया है फटाफट। बच्चों अब साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, ओके गाइस, दैट हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, एक वैक्सीन काम कैसे करती है, क्या ये वायरस को या बैक्टीरिया को मार देती है जाके, किल कर देती है उसको, या ये फ्लश आउट कर देती है उसको आपकी बॉडी के अंदर से, या करती क्या है एक्चुअली, ठीक है, करती काम कैसे करती है। बच्चों वैक्सीन में क्या डिफरेंस है और एक नॉर्मल दवाई एंटीबायोटिक में क्या डिफरेंस है वो आपको थोड़ा मैं बताऊंगा। टाइप्स भी मैं आपको बताऊंगा वैक्सीन के, कौन कौन से 4 जो मेजर टाइप्स होते हैं, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट गाइज वैक्सीन इज नॉट अ किलर ऑफ द पैथोजिन। पैथोजिन का मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजिन बच्चों कुछ भी हो सकता है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई, जो बॉडी को अपने हार्म करता है। तो वैक्सीन बच्चों उसको मारती नहीं है, जैसे एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स होती है। तो गाइस एंटीबायोटिक्स क्या करती है, सीधा सीधा मार देती है सिर्फ बैक्टीरिया को, सिर्फ बैक्टीरिया को मार देती है जाके, आप उसे खाते हो, आपकी बॉडी ऑलरेडी मार रही होती है, लड़ रही होती है बैक्टीरिया से, एंटीबायोटिक आपकी बॉडी की हेल्प करती है और किल कर देती है बैक्टीरिया को, मगर सिर्फ एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती है। वैक्सीन बच्चों ओवरऑल पूरा कंसेप्ट ही अलग है। गाइस वैक्सीन क्या करती है, ये कुछ नहीं करती, ये सिर्फ आपके जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, जो आपकी नेचुरल बॉडी के अंदर जो प्रतिरोध क्षमता है किसी बीमारी से लड़ने की, किसी पैथोजन से लड़ने की, उसको ट्रिगर कर देती है, उसका बटन दबा देती है जाके। कैसे दबाती है बच्चों वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट गाइस, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को ये ट्रिगर कर देती है, ऑन कर देती है। फिर आपकी बॉडी खुद ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती है। तो वैक्सीन बच्चों किसी के लिए भी बनाई जा सकती है, वैक्सीन आपके किसी भी बैक्टीरिया से कोई डिजीज कॉज हो रहा है उसके लिए भी बनाई जा सकती है, वायरस से कोई डिजीज कॉज हो रहा है, जैसे कि आपके कोरोना वायरस है, कोविड है आपका, ठीक है, तो वायरस के लिए भी बनाई जा सकती है, कोई भी और पैथोजिन जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया वगैरह के लिए बनाई जाती है। तो बच्चों कई तरह की वैक्सीन होती है, ईच टाइप ऑफ वैक्सीन इज डिजाइन टू टीच योर, आपके इम्यून सिस्टम को सिखा देती है कि भैया ये जब वायरस आएगा तो इससे ऐसे ऐसे लड़ना है और ऐसे ऐसे इसको बाहर निकालना है और मारना है, मतलब बॉडी को हावी नहीं होने देना उसको अपनी बॉडी के ऊपर, डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म्स मतलब पैथोजिन्स हो गया। सो गाइस वैक्सीन्स प्रिवेंट डिजीजेस दैट कैन बी डेंजरस और इवन डेडली, जैसे कि एचआईवी एड्स होता है, जैसे कि कोरोना वायरस होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह। वैक्सीन ग्रेटली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय वर्किंग विद द बॉडीज नेचुरल डिफेंसेज, आपका बच्चों जो नेचुरल प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएगा ये। नेचुरल वट एवर इज योर इम्यूनिटी थिंग, इट विल ट्रिगर दैट थिंग, हाउ इट विल ट्रिगर दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। टू डेवलप इम्यूनिटी फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन पे बच्चों चलते हैं, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कैसे करती है ये काम, वैक्सीन कैसे करती है काम। तो गाइस पहली तरह की वैक्सीन होती है Type 1, मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइप होता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। गाइस व्हाट इन दिस वी डू इज दैट, कि हम क्या करते हैं, आदमी या जो भी पेशेंट है या जिसको भी वैक्सीन लगनी है उसकी बॉडी के अंदर हम वही पैथोजिन, मान लो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, तो हम कोरोना वायरस को वीक कर देंगे पहले, मार देंगे उसको, अधमरा कर देंगे, ठीक है, मगर वो जिंदा होगा मगर कमजोर होगा, वो बॉडी में कुछ कर नहीं पाएगा वो, बट फिर भी वो लाइव होगा, लाइव मतलब जिंदा होगा वायरस, एट्यूनेटेड मतलब कमजोर कर दिया गया है उसको, ठीक है, वो हम आर्टिफिशियली आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे।
आपकी बॉडी के अंदर वो वायरस जाएगा, मगर वो कुछ करेगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको, मगर आपकी बॉडी समझ जाएगी यार कोई फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आ चुकी है, और उससे लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी बनाने लग जाएगी, नेचुरल डिफेंस क्रिएट करने लग जाएगी, ठीक है। और बच्चों इस तरह से आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेगी कोरोना वायरस नाम का भी कोई जीव होता है, और वो बॉडी में आके एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो गाइज नेक्स्ट टाइम जब आपको एक्चुअल में कोरोना वायरस होगा, जो कि एट्यूनेटेड नहीं है, जो कमजोर नहीं है, जो नेचुरल वाइल्ड फॉर्म में है, वाइल्ड मतलब इन नेचर में जो घूम रहा है, जो अभी सबको बीमार कर रहा है, वो वायरस आपको जब लगेगा कभी आगे, तो उसका आप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी समझ चुकी है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन आप ले चुके हो, और आपकी बॉडी को पता है कि भैया अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करना है। तो गाइज लाइव वैक्सीन यूजेस अ वीकेंड ओके और एट्यूनेटेड, एक ही बात है, वीक बोल लो एट्यूनेटेड बोल लो, फॉर्म ऑफ द जर्म, जर्म कुछ भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, दैट कॉजेज अ डिजीज, बिकॉज दीज वैक्सीन आर सो सिमिलर टू द नेचुरल इन्फेक्शन दैट दे हेल्प प्रिवेंट, दे क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स। आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है शारीरिक शरीर की, इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको बच्चों नेचुरली बूस्ट कर देता है, ठीक है। तो सिर्फ एक या दो डोजेस लेके आप पूरी जिंदगी भर के लिए प्रोटेक्ट रह सकते हो किसी भी प्रकार के डिजीज से, जिस डिजीज के लिए आपने वो वैक्सीन ली है। गाइस एग्जाम्पल इसके कुछ हैं, जैसे मीजल्स की जो वैक्सीन होती है, रोटा वायरस बच्चों डायरिया होता है, डायरिया और निमोनिया गाइस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया, ठीक है। अंडर 5 जो मोर्टैलिटी रेट है, जो अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट है, जो मरते हैं बच्चे अंडर 5 से, उसमें सबसे ज्यादा जो यू नो किलर्स हैं सबसे बड़े वो डायरिया है। डायरिया बेसिकली लूज मोशंस होते हैं, आपको पता होगा। निमोनिया आपको पता ही है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है जो कोविड में भी हो जाता है। तो बच्चों रोटा वायरस वैक्सीन है, रोटा वैक कहते हैं इस वैक्सीन को, ये इंडियन कंपनी बनाती है, भारत बायोटेक बनाती है इस वैक्सीन को। तो गाइस दीज स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब वैक्सीन क्या यूज करती है, लाइव एट्यूनेटेड वायरस को यूज करती है अपनी वैक्सीन के अंदर। गाइस लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लाइव वैक्सीन में क्या होता है कि पैथोजिन को आपने कमजोर करके डाला है बच्चों, इसमें हम किल कर देते हैं पैथोजिन को, ओके, वी किल द बैक्टीरिया, वी किल द वायरस, बिल्कुल इन्हें इनएक्टिव हो जाता है, कमजोर नहीं किया जाता, बिल्कुल मार दिया जाता है, और उसे वैक्सीन के फॉर्म में किसी की भी बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है, ताकि वही प्रोसेस काम वही है, थोड़ा तरीका लगे बस, होगा क्या, बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूजुअली डोंट प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोटेक्शन दैट एज स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी जितनी लाइव वैक्सीन से होती है, मगर हालांकि काफी हद तक आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। सो यू मे नीड सेवरल डोजेस ओवर टाइम, ठीक है। जैसा आपको पता है बच्चों पोलियो की यू नो जो वैक्सीन होती है वो हर साल 2-3 बार लेनी पड़ती है, कई तरह की वैक्सीन होती है जो हर बार हर साल बच्चे को हर 1-2 साल में देनी पड़ती है। तो गाइस वो बेसिकली आपके इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, एग्जाम्पल्स हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो और रेबीज। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो गाइस कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या होता है, ठीक है, तो बच्चों इसमें वायरस को ना ही कमजोर किया जाता है, ना ही लाइव एट्यूनेटेड होता है वायरस, ओके, ना ही वो डेड होता है, लाइव एट्यूनेटेड भी नहीं होगा, डेड भी नहीं होगा, सिर्फ हम उस वायरस या उस पैथोजिन या उस बैक्टीरिया, पैथोजिन एक कॉमन वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ हम उस पैथोजिन का कोई पर्टिकुलर एक कंपाउंड या एक पार्ट उसका ले लेते हैं, जैसे प्रोटीन जिससे बना हुआ है वो, शुगर कंपाउंड जिससे बना हुआ है वो, कैप्सिड, कैप्सिड बच्चों उसे कहते हैं, जिस शेल होता है जो यू नो जैसे कोरोना वायरस का अगर आपने पिक्चर देखा हो तो कोरोना वायरस बच्चों बाहर एक ऐसा शेल होता है, उसके ऊपर ऐसा शेल होता है, ओके, यहाँ पे उसके वो क्राउन्स होते हैं, आपको पता ही है, बच्चे बच्चे को पता है सब, तो दीज आर द क्राउन्स हियर एंड इज दिस थिंग, ये जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है जो एनक्लोजर है इसका, इसे हम कहते हैं कैप्सिड। तो गाइस कॉन्जुगेट वैक्सीन के अंदर कुछ पार्ट हम ले लेते हैं, जैसे कैप्सिड हम ले लेंगे सिर्फ उस वायरस का या बैक्टीरिया का या फंगाई का, ठीक है, बार बार का पार्ट ले लिया, या शुगर उसके मॉलिक्यूल ले लेंगे, या प्रोटीन का स्ट्रक्चर ले लेंगे, और वो वैक्सीन के अंदर डालेंगे और बॉडी के अंदर छोड़ देंगे, ताकि बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज कर ले, और उसको आते ही जब भी वो डिजीज होए तो उसको आइडेंटिफाई कर ले, और नेचुरली उसको आपकी बॉडी में
एलिमिनेट कर दे. ओके, बिकॉज दीज वैक्सीन यूजेस ओनली स्पेसिफिक पीसेस ऑफ द जर्म. ओके, स्पेसिफिक पीसेस मतलब प्रोटीन हो सकता है, स्पेसिफिक पीस शुगर हो सकता है, कैप्सिड हो सकता है. दे गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स दैट्स टारगेटेड द की पार्ट ऑफ द जर्म. ठीक है, तो बच्चों जैसे कोरोना वायरस आपको पता है जब सेल से जुड़ता है हमारी बॉडी में, तो उसका जो एक कोरोना है, सबसे पहले जो ये जो एक कोरोना है, ताज है, ये कनेक्ट होता है हमारे बॉडी के सेल से, और फिर ये वायरस हमारे बॉडी के सेल के अंदर से जुड़ सकता है. तो अगर हम बॉडी में सिर्फ अगर इसको भी फेल कर दें, तो पूरा कोरोना वायरस को फेल करा जा सकता है. तो बच्चों इस आधार पे कॉन्जुगेट वायरस का वैक्सीन काम करती है, सब यूनिट वैक्सीन भी बोला जाता है इनको, इट्स वन इन द सेम थिंग, तो आपको घबराना नहीं है. रिकॉम्बिनेंट भी बोला जाता है इस तरह की वैक्सीन को, और कॉन्जुगेट वैक्सीन भी बोला जाता है. तीनों चीजें एक ही हैं. ठीक है, वन लिमिटेशन ऑफ दीज वैक्सीन दैट यू मे नीड टू टेक अ बूस्टर शॉट्स, लेने पड़ सकते हैं आपको, हो सकता है आपको दो तीन बार चार बार लेनी पड़े वैक्सीन साल दो तीन साल के गैप के अंदर, मगर आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन मिलेगा. तो गाइस इस तरह की वैक्सीन बनती है हेपेटाइटिस बी पी, वूपिंग कफ की. वूपिंग कफ में बच्चों हेपेटाइटिस, आई होप आप सबको पता ही है, लिवर का डिजीज होता है, आपको लिवर पे इफेक्ट करता है. वूपिंग कफ बच्चों एक तरह की खांसी होती है, जिसमें वूप वूप ऐसी अलग तरह की खांसी होती है, अलग तरह की आवाज निकलती है. ठीक है, कंटिन्यूअस खांसी होती है ये, उसे हम कहते हैं वूपिंग कफ. सो दिस इज द थर्ड फॉर्म. लास्ट फॉर्म इज गाइस द टॉक्स. ओके, द टॉक्सॉइड वैक्सीन. टॉक्सॉइड वैक्सीन में गाइस क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस भी नहीं होता है, ठीक है, डेड वायरस भी नहीं होता है, डेड पैथोजिन भी नहीं होता है, डेड बैक्टीरिया भी नहीं होता है, सिर्फ टॉक्सिन्स होते हैं उस पर्टिकुलर पैथोजिन के. जो टॉक्सिन्स मतलब जो चीज उस पैथोजिन की कोई पार्ट है बॉडी का जो हमें हार्म कर रहा है, सिर्फ वही पार्ट हम डालते हैं वैक्सीन के अंदर और हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, और बॉडी हमारी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेती है विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ओके, और जब एक्चुअल में हमें वो डिजीज होता है तो हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड होती है, फॉर एग्जाम्पल टेटनस और डिप्थीरिया. ओके, तो टेटनस और डिप्थीरिया की जो वैक्सीन होती है गाइज, वो टॉक्सॉइड कैटेगरी की आती है, टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है. ओके, दीज वैक्सीन यूज अ टॉक्सिन, हार्मफुल प्रोडक्ट मेड बाय द जर्म दैट कॉजेज द डिजीज. दे क्रिएट इम्यूनिटी टू द पार्ट्स ऑफ द जर्म दैट कॉजेज अ डिजीज इंस्टेड ऑफ द जर्म इटसेल्फ. जर्म इटसेल्फ पूरे उसको यूज करने के बजाय सिर्फ जो हार्मफुल प्रोड्यूस वो जर्म कर रहा है, जो हमारी बॉडी को वो हार्मफुल प्रोड्यूस नुकसान पहुंचा रहा है, सिर्फ वो पार्ट हम डालते हैं वैक्सीन के अंदर और बॉडी को हमारे इम्यून सिस्टम को टीच करते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर टेटनस का एक्चुअल में कुछ होए तो आपको तैयार रहो आप लोग. ठीक है, दैट मीन्स द इम्यून रिस्पॉन्स इज टारगेटेड टू द टॉक्सिन इंस्टेड ऑफ द होल जर्म. लाइक सम अदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन यू मे नीड अ बूस्टर शॉट्स, बच्चों इसमें भी आपको चाहिए होगा, तो दैट इज द थिंग. ओके, सो बिल्कुल सही बात है गाइस, द फोर्थ काइंड ऑफ वैक्सीन इज अ टॉक्सॉइड वैक्सीन. तो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे. सो मेजर बात मैंने आपको बताई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में यू कैन चेक इट आउट, द न्यूज इज देयर. सो गाइस लेट्स होप वी गेट द वैक्सीन बिकॉज वी डेफिनेटली नीड इट, एंड वैक्सीन आ जाएगी तो काफी बच्चों मेरे हिसाब से जितना ज्यादा नुकसान हेल्थ वाइज लोगों को हुआ है उससे कई ज्यादा नुकसान इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हो रहा है. तो गाइस अगर क्वेश्चन आए कोरोना वायरस पे तो आपको पूरा होलिस्टिकल डायमेंशन सारे डालने हैं उसके अंदर, इकोनॉमिकल आस्पेक्ट डालने हैं आपको, जीडीपी कितना डिक्लाइन हो गया है, आपका प्रोडक्शन कितना डिक्लाइन हो गया है. ठीक है, कई इंडस्ट्रीज है जो बहुत सिवियरली इफेक्ट हुई हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई आपकी, होटल्स वगैरह, जैसे कि एविएशन हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये एजुकेशन सेक्टर हो गया, ये इंडस्ट्रीज कुछ बहुत ही ज़्यादा नुकसान में चली गई हैं. सम पीपल हैव टेकन बेनिफिट आउट ऑफ दिस थिंग, बट वो बहुत छोटा फ्रैक्शन है. तो बच्चों सारी बातें करें जब भी अगर इस पे क्वेश्चन लिखें मेंस का, बाकी प्रीलिम्स के लिए तो मैंने आपको सब कुछ बताई दिया है, सारी तरह की वैक्सीन वगैरह. तो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सो यू कैन जॉइन अस ऑन द प्लस कोर्स ऑल्सो. बच्चों प्लस एक अलग ही प्लेटफॉर्म है जो बना ही पढ़ने के लिए है, वो आपको गारंटी देता है कि एक साल में आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा प्लस के ऊपर. ओके, एडवांस टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ पे क्लासेस चलती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ऑप्शनल सब आपको पढ़ाया जाता है. ओके, ऑल ईयर, वन ईयर के अंदर आप लगभग अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो गाइस. हिंदी इंग्लिश के अलग अलग बैचेस होते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज एनालिसिस इंटरेक्शन आपको अनलिमिटेड मिलता है प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ. साथ ही साथ बच्चों आप टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो इंडिया के जो सिर्फ प्लस पे पढ़ाते हैं,
तो गाइस फाइव बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग माय कोड व्हेनेवर यू टेक द सब्सक्रिप्शन, तो आप मेरा कोड यूज करें, इसके पांच स्पेशल फायदे हैं बच्चों, बेस्ट कोड है यूज करने का ये अनअकैडमी पे। 10% तो सीधा का सीधा ऑफ आपको मिल जाएगा, मगर वो हर कोई कोड आपको दिला सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज रहेगी जो आप बहुत ही जो आपको हेल्पफुल आपको लगेगी, इट्स माई गारंटी, ओके इट्स माई गारंटी, सबसे जो हेल्पफुल रहेगी वो गाइडेंस और जो मेंटरिंग मैं आपको दूंगा डायरेक्टली फोन पे, ठीक है। फोन नंबर आपको दे दिया जाएगा, तो फोन पे आपको मिलेगी बच्चों डायरेक्टली मेंटरिंग गाइडेंस 24/7 आप मुझसे जुड़े रहोगे, तो कभी भी आपको घबराने की या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऑप्शनल क्या सेलेक्ट करना है, आप डायरेक्टली मेरे में टच में रहोगे। आई हैव 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद द यूपीएससी, ओके आई गिव एन इंटरव्यू मेंस, ऑल्सो टीचिंग फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। सो गाइस दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस कोड एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट ऑल्सो। एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन मटेरियल भी अगर आप बोलोगे तो मैं आपको मुहैया कराऊंगा वो मेरे पर्सनल नोट्स के अंदर से। प्रॉपर गाइडेंस बच्चों बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर गाइडेंस। प्लस का कंटेंट जो आपको मिलेगा, प्लस के ऊपर एक श्योरिटी मिलेगी आपको कि आपका सिलेबस पूरा करा दिया हो जाएगा 1 साल के अंदर। और बच्चों आपका हार्डवर्क, ठीक है, मैं कोई आपको दिलेमा में नहीं रखना चाहता कि आप प्लस ले लो और बस सब हो जाएगा। बच्चों पढ़ाई तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, बस यहाँ पे आपको जो 10 घंटे एफर्ट करने पड़ते हैं, इधर उधर भागना पड़ता है क्लासों के लिए, कभी क्लास होती है नहीं होती है, वो प्रॉब्लम आपकी सारी खत्म हो जाएगी। स्ट्रक्चर्ड तरह से आपको पढ़ाया जाएगा और अश्योरिटी रहेगी, आप बैच में एनरोल कर सकते हो लेने के बाद, और अश्योरिटी देते हैं बैचेस में एनरोल करने के बाद कि 1 साल में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। बच्चों मेरे कोड से आप मेरे कोर्सेज तो सारे देख ही सकते हो जैसे कि मैं आगे बताऊंगा आपको, साथ के साथ हमारे अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स हैं, अनअकैडमी यूपीएससी के जितने भी चैनल पे जो भी पढ़ाते हैं उन सबके कोर्सेज आप देख सकते हो, साथ के साथ प्लस के भी बच्चों आप सारे फायदे उठा सकते हो A to Z, ओके। सो कोड कहीं भी कम नहीं है, हर जगह आपको बेहतर ही फायदा ही होने वाला है दिस कोड का। तो सिंपल कोड है गाइस CDUPSC, रिमेंबर रखें। IR का मेरा पूरा कोर्स पब्लिश हो चुका है, 100% फीडबैक मिला है, 3 पार्ट्स में मैंने निकाला है इसको, महीने भर भी नहीं लगेगा, आप पूरा IR कर सकते हो उसको अगर आप रेगुलरली एक एक दो दो वीडियो भी देखो रोज, तो 3 पार्ट्स के अंदर है, तीनों पार्ट आपके कवर हो जाएंगे बच्चों, आपके प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों को कवर कर लेंगे। और गाइस पिछले 4-5 सालों में चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, IR का वेटेज बच्चों बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपको उस पर स्पेशल ध्यान देना है IR के ऊपर, नए नए एनवायरमेंट हो गया जैसे IR हो गया, ओके गाइस। तो बच्चों मेरा दिवाली के बाद में नया कोर्स लॉन्च हो रहा है मेंस एंड राइटिंग, GS1 मैं कवर करूंगा, उसमें GS2 करूंगा, GS3 करूंगा, GS4 एथिक्स का जो पेपर होता है आपका वो भी कवर करूंगा दिवाली के बाद अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं आपको बोलूँ तो 17 नवंबर को ये चालू हो रहा है कोर्स, तो उससे पहले आप प्लस कोर्स ले लें, कोड आपके सामने, फायदे मैं आपको सारे बता ही चुका बच्चों। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मेंस का टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आपको मेंस पढ़ना चाहिए आपको, अगर आप 1 साल पहले या सेकेंड अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो, सेकेंड भी क्यों, आपको पहले अटेम्प्ट में अगर निकालना है बच्चों तो अभी फरवरी तक आपका मेंस पूरा सॉलिड हो जाना चाहिए, उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट योर प्रीलिम्स, टेक केयर ऑफ योर प्रीलिम्स पार्ट, ओके गाइस। सो दिस इज द कोड, तो 2 साल का बच्चों आप ले सकते हैं, काफी किफायती है, और 2 साल का बच्चों मिनिमम चाहिए क्योंकि कोर्स है लंबा। तो मेरा कोड यूज करने के बाद वैसे फीस 72,000 है, बट आफ्टर यूजिंग माई कोड यू विल गेट द कोर्स इन द सब्सक्रिप्शन इन द 64,800 रुपीज, ओके। सो दिस इज द थिंग गाइस, लेट्स मूव ऑन, दिस इज द कोड, रिमेंबर इट, आपको आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी इसकी। अनअकैडमी यूपीएससी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, उसके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे आप चैनल को क्लिक ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे सारे एजुकेटर्स के जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन अनअकैडमी यूपीएससी पे, ठीक है बच्चों। हैप्पी दिवाली यार, ध्यान रखो अपना, अच्छे से बनाना दिवाली बच्चों, पटाखे वटाखे थोड़े मत छोड़ाना इस बार क्योंकि कोरोना ज्यादा फैलता है पॉल्यूशन में, एक्चुअली द वायरस गेट्स अ प्लेस टू यू नो सिट, और ज्यादा देर वो सर्वाइव कर पाता है एनवायरमेंट में, इसलिए कई स्टेट्स के अंदर पटाखे बैन भी हो गए हैं, वो अच्छी बात है बच्चों। तो इस बार कोशिश करो कि पटाखे ना छुड़ाओ थोड़ा, यू नो आप तो यंग हो, आप शायद इतने वल्नरेबल नहीं हो, मगर काफी लोग हैं बच्चे बूढ़े जो वल्नरेबल है, तो गाइस लेट्स यू नो नॉट डू ओके फायर क्रैकर एक्सप्लोजन ऑन दिस दिवाली एंड हेल्प द नेशन विच इज इन डायर नीड ऑफ योर हेल्प, ओके। तो गाइस गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और ध्यान रखें अपना अच्छे से।